पहले ही बोला बिहार में हो रहा है, जो बिहार में जो काम हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का। नियुक्ति पत्र जो है लोगों को बांटा जा रहा है, लगातार आप देखेगा बड़े तादाद में बहालियां भी निकल रही हैं, रिटायरमेंट भी हो रहा है। और हम लोगों का जो लक्ष्य है उसका हम लोग धीरे धीरे पूरा कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा भी रोज़गार की व्यवस्था हम लोग कराएँ। आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और उसको देखते हुए अगर केंद्र जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि वही प्रशासनिक चीज़ें और कई खाली नियुक्ति ही पत्र नहीं, और भी कई ऐसी जो योजनाएं हैं जिसको केंद्र ने अपनाने का काम किया है, तो ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन आप सब लोगों से बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने तो आंकड़ा दिया कि बिहार में इतने पदे हैं, रिक्त पदे हैं, इतनी बहाली हम लोग निकालेंगे, नौकरी निकालेंगे, लेकिन आप बताइए केंद्र सरकार जो है कितना नौकरी दे रहा है, कितना पद जो है रिक्त है, ये तो बताना चाहिए ना उन लोगों को। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए कि भाई जो आपकी देश की आबादी है, बिहार तो मात्र 12 करोड़ की आबादी में अगर हम यहाँ 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार की व्यवस्था करा रहे हैं, तो पूरे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से केंद्र सरकार कितना दे रहा है, तो वो कहीं कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा बात है ना। आज कम से कम इस एजेंडे पे तो आ गए, जो लोग दिन रात भेदभाव हिंसा की बात करने वाले लोग, अमन चैन छीनने वाले लोग, कम से कम आज उनको नौकरी पे तो आना पड़ा ना। डेट आपको बता दिया जाएगा, इस महीने के अंत तक तो चले ही जाएंगे, बाकी सर्जरी है तो जल्दी हम लोग जाएंगे। चलिए चलिए सर, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के हाथों में फेस जो नोटिफिकेशन था उसको जारी नहीं किया गया है, उसको लेकर आज अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। संजय जायसवाल जो है वो कह रहे हैं कि अगर नहीं जारी होगा तो सदन नहीं चलने देंगे। इस बात को उनका जानकारी नहीं है।